सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और उन्होंने अपना नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी दर्ज करवाया है। ही इज अ कराटे सेंसेशन ऑफ आवर नेशन एंड स्पेशली वो हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है। एक्चुअली मैंने जो इंट्रो वीडियो शूट किया था उनके साथ, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो मैं उसे नीचे डाल दूंगी। मुझे ये वापस शूट करना पड़ा, दुख की बात है, बट इट्स ओके। तो इस वीडियो में मैं आपको उनके जो स्ट्रगल्स है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, उनके अचीवमेंट्स क्या क्या है, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, इंस्पायरिंग लगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वंस अगेन वेलकम बैक गाइज। और मैंने तो अपनी तरफ से इंट्रो दे दिया है भैया का, तो मैं इनकी तरफ से चाहती हूँ कि ये अपना इंट्रो खुद दे आप लोगों को। तो जी, मेरा नाम है राजा एंगफो और मैं एक कराटे का हूँ। ये हमारे जो कराटे प्लेयर को कराटे प्लेयर नहीं कहते, कराटे का कहते हैं, जो खेलते हैं ना उसे, तो मैं वही हूँ। और मेरा डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है इसकमिंग, और मेरा जन्म वहीं इसकमिंग के छोटे से विलेज नमता एंगफो बोल के, जो कि मेरा सरनेम है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। उसके काफ़ी 3-4-5 ऐसे कुछ साल के बाद मेरा यहाँ फैमिली के साथ कैपिटल में ईटानगर में आके बस गया, तो यहीं तब से मैं लेके यहीं बैठा हूँ। जस कभी कभी वापस जाता अपना विलेज देखने के लिए। तो मेरा अभी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका हूँ, BA सिंपल, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो आप बताइए कि आप मतलब कराटे को आपने क्यों चूज़ किया, क्योंकि डिस्पाइट बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पे जिन्हें खेला जाता है, लोग पसंद करते हैं, बट आपने कराटे को ही क्यों चुना? जी देखिए, ऐसा जब छोटा था बचपन, जब कुछ हमें जानकारी कुछ भी नहीं था, तब हमें वो था, तब जानकारी कुछ नहीं था एक्चुअली। तब समय सिर्फ हमें मूवीज वगैरह चलता था, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था ना, तो मूवी सिर्फ चलता था, तो उसमें से देखता था ब्रूस ली, जेट ली, जैकी चैन, चाइनीज, जो कि मेरे चाचा है सेंजा यांगफो, लेट सेंजा यांगफो जो डेड हो चुके, तो वो हमें वो सब मूवियाँ बहुत दिखाते थे, फिल्म वगैरह ना। तो चाइनीज़ का ये साउलिन मास्टर वगैरह, साउलिन टेम्पल, 36 चैम्बर ऑफ साउलिन, उस तरीका से वो सब मूवी देखते देखते मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करना है, किक वगैरह, पंच वगैरह मारना है। ओके, तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे भी पता है कि उसका जब आप फर्स्ट ज्वाइन करते हो तो बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं क्या करोगे इसे, तो मैं जानना चाहूँगी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? तो उसमें मुझे बहुत इधर उधर आदमी लोग बोलता था कि खेल के क्या करेगा, अपना बदन वेस्ट, बदन सदन खराब होगा, टाइम वेस्ट, पढ़ने भी नहीं सके बोलता था ना, लेकिन मेरा सही था। लेकिन ना मेरा फैमिली वाला मुझे सपोर्ट किया कि हाँ खेलो तुम, अगर इंटरेस्टेड है तो खेलो, तो वहीं से मैंने खेलना शुरू किया। उसके बाद लेकिन बीच बीच में जब मुझे गेम में बहुत भारी चोट लगता था, जैसे कि सर फट गया, नाक टूट गया, मुंह से खून निकल रहा है, मेरे माँ बार बार, जो माँ आता है उसे कोई नहीं समझ सकता, वो बार बार डरते थे कि मत जाओ, मत खेलो बोल के, माँ लोग बहुत तरह डरता है ना, तो उसके कारण से माँ थोड़ा वो करता था कि मत खेलो, तो लेकिन भी फिर भी मैंने खेलता रहा, छोड़ा नहीं है, तब जाके आज यहाँ पर है। ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा है मेरा हवा में, मेरा करियर में इतना। जी, ये माँ का प्यार वाला चीज़ से हम बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भी जाता था और हमको बहुत सारा चोट लगता था, तो गाली सबसे ज़्यादा मेरा माँ से पड़ता था, और प्लस मालिश जो है वो भी पूरा मेरा माँ से ही होता था। तो मैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि लोगों ने आपको ज़रूर कहा होगा, बट फिर
आपने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो अभी मुझे लगता है कि उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा ये ज़रूर होगा, विदाउट फिजिकल टच ये एक स्लैप ज़रूर होगा उनके चेहरे पे। तो मैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी, जो कि बहुत सारे हैं, पर कुछ स्पेसिफिक बताइए जिसके मतलब जो कि लोगों को जानना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, मैं आपको अचीवमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट सिंपल से, लेकिन मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट जो रहा है उसे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा अचीवमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिले थे। 2013 KAI बोल के काई कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल था, तो उसमें मेरा पहला ये नेशनल करियर था, तो उसमें वेट शायद मेरा 63 बिलो में गला था। उसमें मैं 6 राउंड जीतने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला था, उसमें मेरा एक्सप्रेशन तो सीधा बदल ही गया, बहुत खुश था। मेरा कोच को हम डायरेक्ट जम मार के उतार दिया, जाके ख़त्म होते जीतने के बाद कोच को उतार दिया, उसे गले लगा के मेरा आंसू ही निकल गया, रो ही गया खुशी के मारे। इतना खुशी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं जैसे फील हुआ था ना, वो मोमेंट एक अलग ही था। तब समय मेरा कोच था ये सिहान एस देवेन शर्मा, जो अभी भी है, जो ये 61 कुछ ईयर्स के हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत फिट है, यंग दिखता है। तो वो समय मेरा बहुत खुशी है। उसके बाद मुझे जो खुशी मिला था ये कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, जो ये सीनियर वाला ये साउथ अफ्रीका में, जो मैं 2018 में खेला था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसमें मेरा सीनियर में -60 kg में गोल्ड आया था, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। अगला जो खुश नसीब पल आया था वो तो बहुत बड़ा धमाका था, बहुत ही बड़ा, जो कि ये इस बार तो 2019 में कोरोना से पहले, कोविड-19 होने से पहले जो ईयर था उसमें मेरा हुआ था। ये वर्ल्ड जो मतलब वर्ल्ड का नंबर वन रैंक था ना मेरे 60 kg का, तो उसे मैंने पहला ही राउंड में 5x4 से बीट कर दिया। तो वो पल जो बहुत मेरा खुशी था, वो इंडिया के लिए एक हिस्ट्री मेकर भी था, हिस्ट्री भी था कि आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है इंडिया में। इंडिया वालों ने अभी इंडिया वाला अभी तक मतलब इतना वो नहीं हुआ है कि बार ना, तो वो मेरा पहला था कि इंडियन से पहला कोई था कि वर्ल्ड का जो टॉप 5 को बीट किया वाला प्लेयर, तो वो मैं ही था। तो उसमें मुझे बहुत खुश मिला, उसमें पूरा मतलब नेशनल फेडरेशन मुझे अप्रिशिएट किया, यहाँ की इंटरनेशनल का भी जो कुछ छोटा मोटा कंट्री लोग है वो लोग ना, जैसे ईरान वगैरह, जापान वगैरह, उसमें सबसे अप्रिशिएशन वाला बात ये था कि मुझे ये 84- का रियुतारो अरागा वर्ल्ड चैम्पियन है, उसने मुझे आके बोला कि बहुत बढ़िया खेला बोल के, उसने मुझे आके ये सिंबल दिखाया था बस, गुड फाइट बोल के। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट गाइस। तो वही मेरा बहुत मन था। और अचीवमेंट में मामला में मेरा ये साउथ एशियन का मैं 3 times गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और ये कॉमनवेल्थ का 2 times, उसके बाद एशियन में 3 बार पार्टिसिपेंट्स कर चुका है, लेकिन अब तक दुख की बात है कि कोई मेडल नहीं आया एशियन में, लेकिन आशा करता है कि आगे ज़रूर आएगा। तो नेशनल का तो मैं अभी याद नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा है तो पूरा याद नहीं किया। देखिए इतना सारा अचीवमेंट्स है इनके पास कि इन्हें याद भी नहीं है, एंड जब ये बता रहे थे वी वर लाइक वाओ अंदर से, बट मुझे ये इतना शो नहीं करना था कि अजीब लगेगा कैमरे पे, इसलिए, बट आई एम ट्रूली वेरी हैप्पी फॉर हिम। जब से मैंने भी जब से ज्वाइन किया था इनका नाम बहुत सुना था, और हम इन्हें बहुत ही एडमायर करते थे, एज अ इंस्पिरेशन देखते थे, और देखिए इनका अचीवमेंट, ये इंस्पिरेशन के काबिल है ज़रूर। और तो मैं थोड़ा सा रुकिए, और ये मैं नेशनल का तो इतना पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि अभी मतलब डिपेंडिंग चैम्पियन मैं ही हूँ, -60 का नेशनल चैम्पियनशिप का, तो डिपेंडिंग चैम्पियन अब तक मैं ही हूँ, तो इतना याद है बस। वाओ, डिफेंडिंग चैम्पियन ऑफ हिज ओन कैटेगरी गाइज। सो आई होप आप लोग इनके लिए प्रे करो, और ऐसे ही ये अरुणाचल का और हमारे इंडिया का नाम रोशन करें। तो मैं आगे इनसे जानना चाहूँगी कि स्पोर्ट्समैन होने के फ़ायदे क्या क्या है। देखिए, स्पोर्ट्समैन होने का फ़ायदा आपको बहुत सारा है कि लाइफ में आपको सबसे पहला तो मैं डिसिप्लिन कहूँगा। अगर आप कुछ भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, या तो कुछ भी, फुटबॉल, टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, वुशू, कुछ भी, क्रिकेट वगैरह, उसमें से सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि डिसिप्लिन, अपने बड़े सीनियर से कैसे बात करना चाहिए,
कोच से कैसे बात करना चाहिए, जूनियर से कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके बाद ये रहना कैसे है, साफ़ सुथरा, हमेशा साफ़ सुथरा भी सिखा देता है डिसिप्लिन में वो सब आ जाएगा। तो हमेशा सिखाता है कि अपना सीनियर को कभी आर्गू वगैरह मत करो ना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो बस चुप रहिए, क्योंकि वो सीनियर है, तुमसे ज़्यादा जानता है। अगर वो गलत भी है तो वो फिर अपने आप को बातें समझ के रियलाइज़ करके वो खुद ब खुद आके सॉरी कह देगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती उससे आर्गू ना करिए, ये सब वगैरह सिखाता है कि डिसिप्लिन सबसे आगे सिखाता है। उसके बाद आता है आपको फिट रहना, आप फिट होगा तो आप जवान भी लगेंगे और उम्र भी लंबा जिएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कोच जो है 61 इयर्स का, लेकिन अब भी बहुत फिट है, उसका किक तो अभी भी हम उसे अच्छा ही फ्लेक्सिबल मारता है, ऊपर मारता है, लेकिन उसका उम्र का लो अभी देखो कितना, बेड कोई कोई तो बेड पे पड़ा होगा। तो स्पोर्ट्समैनशिप का ये फ़ायदा कि आप हमेशा फिट भी रहेगा, उससे आपको बीमार वगैरह भी नहीं होगा ना, आप हमेशा एनर्जी बूस्ट होकर रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो राजा भैया, मैं आपसे सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, थोड़ा मुस्कुराइए प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो है अरुणाचल में, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कोटा है जॉब के लिए, उसको लेकर बहुत ही बवाल चल रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, मतलब कुछ राय आपका? देखिए स्पोर्ट्स कोटा जो है एक्चुअली ये जो ना आप, हाँ आजकल ट्रोल बहुत चल रहा है, लेकिन कुछ ट्रोल आजकल ज़्यादा ही चल रहा है, लेकिन मैं आप सबसे ये बता देना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स कोटा एक मतलब वो ट्रोल करने का लायक नहीं है ना, वो एक है या मतलब ये वो एक रेस्पेक्ट है एक ना, आपको वो खेलता है। अभी देखिए आप, हम जैसे खेलने वाला और अभी आप नहीं खेलने वाला ना, तो अब जो कि हमेशा पढ़ते रहता है और हम लोग खेलता है, फिर थोड़ा मोड़ा क्लास कर लेता है, थोड़ा मोड़ा जानकारी कर लेता है, जैसे तैसे पास मार्क निकाल देता है ना, तो अभी और आपके साथ और मेरे साथ क्या कंपेयर करेगा ना। अगर कुछ ये इंटरव्यू आएगा तो आपके पास जितना नॉलेज है लिखने में वगैरह में पढ़ाई में, वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर हमारे पास जो खेलने में नॉलेज है वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने जगह एक्सलेंट है, हम अपने जगह एक्सलेंट है, तो फिर हम खेल खेल के बाद में क्या करें जब खेल ना पाए। तो उसके लिए एक ये जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, जो खेल खेल के वो जब उम्र हो जाता है कि हाथ पाँव काम नहीं करता ना, तो उसमें एक वो लोग एक रेस्पेक्ट रख के एक पोस्ट दे देता है कि हाँ ये ख़त्म हो जाने का, आप इसे ज्वाइन करके ना आपका लाइफ सिक्योर कर ले। जो खेलता है ना उसका रेस्पेक्ट एक रख देता है। देखो जैसे कि आप देखो हिमा दास को देखिए, DSP ऐसे दे दिया ना, इसके बाद PV सिंधु को देखिए, ये आंध्र प्रदेश में ये डिप्टी कलेक्टर दे चुका है, DC पोस्ट दिया हुआ है। मेरी कॉम को देखिए, SP दिया था, अब लेकिन वो SP से रिज़ाइन करके शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के रखा हुआ है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, 10 फेलियर है, लेकिन उसके पास अभी ये पायलट जॉब्स है। तो स्पोर्ट्स कोटा में ऐसे कि हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रूल है कि हर डिपार्टमेंट में 5% देना बोल के ना, लेकिन जो मिलिट्री वगैरह है, मिलिट्री पोस्ट पुलिस, उस पर्सन में शायद 10% है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस हिसाब से पोस्ट बता हुआ है। तो जो जेई घुसते है ना, वो भी शायद मेरे हिसाब से जो पूरा पढ़ लेता है ना, उसके बाद वो लोग शायद खेलता है, उसे वाला को देता है। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप डिग्री नहीं है लेकिन पोस्ट मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा लेकिन ना, तो आप डिग्री भी होना पड़ेगा पोस्ट के लिए, तो वही है, ज़रूरी नहीं है कि टॉप करना है बोल के। तो स्पोर्ट्स कोटा ऐसे करके दिया जाता है स्पोर्ट्स कोटा थ्रू। देखिए मैं जब ज्वाइन किया था ना, तब स्पोर्ट्स कोटा वगैरह कुछ नहीं था, बस मैं यूँ ही अपने आप को बस काबिल बनाने के लिए, चैम्पियन बनने के लिए बस खेलते गया। लेकिन बाद में अभी देखिए जो अभी आ रहा है स्पोर्ट्स कोटा वगैरह, बाद में आया ना, तब आदमी भी इतना नहीं खेलता था, जब हमारा नया नया ज्वाइन था ना, नया नया घुसा था, तब आदमी भी इतना नहीं खेलता था। तब जाके बाद में जब से स्पोर्ट्स कोटा रिकमेंड होता गया, आदमी बढ़ते गया, तो बहुत सारा लोग स्पोर्ट्स कोटा के लिए खेल रहे शायद ना, तब मेरे कारण से, उन सभी के कारण से अभी स्पोर्ट्स कोटा का ट्रोल हो रहा है कि वो जो स्पोर्ट्स कोटा के लिए घुस रहा है, तो उसका कारण से अभी ट्रोल हो रहा है शायद स्पोर्ट्स कोटा, क्योंकि जो मेहनत करके आता है ना, वो समझ सकता है कि क्या स्पोर्ट्स में क्या तकलीफ होता है ना, तो वो समझ सकता है स्पोर्ट्स में। तो हम भी जब खेलता था तब ज्वाइन किया था, तब स्पोर्ट्स कोटा नहीं था, लेकिन अभी जब हम बहुत ऊपर लेवल आ गया ना, लेकिन अभी स्पोर्ट्स कोटा है, तो अभी हम लोग के लिए शायद जगह भी होगा बाद में, लेकिन अभी भी हम लोग मतलब कुछ करने के लिए खेलेगा सोचते, अभी भी हम लोग जॉब करेगा नहीं सोच रहे ना, अभी भी हम सोच रहे कि और थोड़ा ऊपर ना, और थोड़ा ऊपर एक खेल ही रहे तो एक टॉप लेवल में अपना आपको एक
हिस्ट्री क्रिएटर बनाना चाहता है, ताकि जो कल को वहाँ से कैसे गुजरो वो देखो राजा एम्फो जा रहा है, लोग ये कहना चाहिए मेरे बारे में, इस चाहत तक मैं खेलना चाहता हूँ, बस ये जुनून लेके बैठा हुआ है। लेकिन मेहनत तो कर रहा है, लेकिन अभी अब कहता है ना लग का भी बहुत मैटर होता है स्पोर्ट्स में, तो अभी बाकी फिजिकल तो दे रहा हूँ और बाकी ऊपर वाले का हाथ में छोड़ देता। तो राजा भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्पोर्ट्समैन होने के ड्रॉबैक्स क्या क्या है? कि स्पोर्ट्समैन होने के वो बींग स्पोर्ट्समैन आपको बहुत सारा चीज़ से होकर गुजरना पड़ेगा ना। आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आप अगर स्पोर्ट्स में देखिए एग्ज़ाम में ये आप एग्ज़ाम देखिए पास मार्क सिर्फ 33 टॉप अलग कोई पास मार्क, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि पास मार्क वगैरह कुछ नहीं है। 100 या तो 200 आओ या तो 300 400 आओ, उसमें से बस एक ही चैम्पियन होगा, बाकी सब और आप सब जानते हैं चैम्पियन का अलावा बाकी किसी को कोई याद नहीं करता, सिर्फ चैम्पियन को ही सब याद करता है। सूरज का किरण जब आता है उससे पहले आपको उठ के वर्कआउट करना पड़ता है कि मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। अब अगर घर से बहुत दूर जाके मेहनत करता है तो आप वापस आने के लिए कैपेसिटी नहीं होता है, उस हिसाब तक मेहनत करना पड़ता है ना। फिर आपको आके फिर शाम को मेहनत करना पड़ता है, फिर पार्टी वगैरह तो आपको जाने ही नहीं मिलेगा ना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी करना, कई प्रोग्राम हो गया वहाँ जाके मुझे कुछ देखना है अच्छा लगेगा, लेकिन वो सब करेगा तो फिर आपका ट्रेनिंग मिस होगा, फिर आप कंपटीशन में अपने आप को भरोसा नहीं होगा हम खेल पाएगा और क्या। तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ये सब बहुत झेलना पड़ता है, सब किसी के दोस्त कम करना पड़ता है, पार्टी वगैरह में नहीं जाना पड़ता है, कई मीटिंग्स उसमें भी अटेंड नहीं करके ना सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेहनत ही करते रहना पड़ता है, तभी जाके वो आगे जा पाएगा। क्योंकि सर इसमें सिर्फ जीतना है तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जीतेगा। उसके बाद जो होता है जैसे कि फाइनेंशियल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है जैसे बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ना, जैसे कि कुछ गेम खेलता है बराबर है। स्टेट गोप से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा इस चीज़ को देखिए, हमारे जो आप स्टेट गोप आप कहता है कि पहले जा लो उसके बाद में उसका जो बिल है वो बना के सबमिट करो, उसके बाद पैसे आप लोग गवर्नमेंट से वापस मिलेगा होता है ना। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना, अगर पैसा जाने के लिए नहीं आएगा तो आएगा कहाँ से। अब अगर आप देता भी बहुत लेट से है, देता भी एक साल जैसे लेट से है ना, अगर आप जाने के लिए पैसा नहीं होगा तो आपको जाएगा कहाँ से, आप देगा वापस देगा कहाँ से। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देखिए, जाने से पहले आप खुद से सेलेक्ट करके ना, अगर ये लड़का काबिल है तो आप लोग एडवांस में दे दीजिए ना, बाद में देने से नहीं होता है। जैसे कि मेरा हमको ही पकड़ लो 2013 वाला जो मेरा पहला एशियन चैम्पियनशिप था जिसमें मैं बहुत गंदा पॉइंट से आ रहा था 0/7 से, उसमें मैं वर्ल्ड नेशनल के समय तो मैं बहुत ट्रेनिंग किया ना, उसमें हमारे जो ये अरुणाचल कराटे एसोसिएशन है वो हमारे नेशनल तक स्पॉन्सर कर दिया था ना पूरा, तो उसमें मैं पूरा मेहनत किया गोल्ड आ गया ना। लेकिन उसके बाद जब मेरा इंटरनेशनल क्वालिफाई हुआ है तो उसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी नहीं करता ना, तो ये अरुणाचल गवर्नमेंट अरुणाचल तो उसका थ्रू से देता है लेकिन वापस आने का देता है, तो उसमें पैसा नहीं हो रहा है, तो फाइनेंशियल पैसा ढूंढने में इधर उधर डोनेशन वगैरह हेल्प किसी से मांगना, इधर उधर जाना इधर उधर करते करते मेरा पूरा ये ट्रेनिंग बिना के मेरा टाइम पूरा उसमें डोनेशन में चला गया। तो उसका जैसे कलेक्ट तो हम दिया गया है वहाँ जाके मेरा परफॉर्मेंस बहुत गंदा रहा है, क्योंकि हमको ट्रेनिंग करने अच्छा से नहीं मिला है, तो उसमें मेरा गेम जो उसमें हम बहुत गंदा पॉइंट से रहा है, शायद मेरा कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल कारण भी होता होगा। और बहुत लोग ऐसे करके भी छोड़ देता है कि क्वालिफाई कर पाया लेकिन पैसा नहीं है, तो जाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन उसके बाद तो खेल के क्या फ़ायदा है उसके, बहुत लोग ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का तो डोनेशन करने के लिए भी वो नहीं होता ना, कैपेसिटी नहीं होता है, तो ऐसे वाला बहुत सारा छोड़ देता है ना। यहाँ नहीं तो स्पोर्ट्स में मेहनत करने वाला बहुत ज़्यादा है, टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है मेहनत करने वाला ना, यहाँ फिजिकल तो रगड़ रगड़ के करने वाला है लेकिन फाइनेंशियल में सब मार्क आ जाता है। तो भाई जी हमारे ऑनरेबल CM स्पोर्ट्स मिनिस्टर सबसे आप रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा इन चीज़ को देखिए, आगे भी प्लेयर अगर आप बनाना चाहता है तो स्पोर्ट्स एक ऐसा राउंड है जो कि अरुणाचल को हर जगह पहुंचा दे सकता है, जैसे कि पहले कोई पता नहीं था हमारे अरुणाचल को, लेकिन अब इंडिया में देखो अरुणाचल हमारे टॉप में है, टॉप 2 में आता है, तो बाहर जब कहीं जाता है तो अरुणाचल के नाम से वहाँ का प्लेयर लोग पूरा डरना डरना शुरू हो जाते हैं कि भले ये खेलने ना आओ ना, लेकिन
देख के पूरा सब डर जाते हैं, अरे भाई ये तो अरुणाचल का ये बहुत खतरा होगा। सब जानने लगे हैं अरुणाचल को ज़्यादा। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो थोड़ा ध्यान दे हमारे स्पोर्ट्स की तरफ, ना ही सिर्फ क्रिकेट की तरफ बल्कि पूरे दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। तो देखिए, तो मेरा वो पहला जब इंटरनेशनल था उसमें मैं बहुत गंदा पॉइंट, लेकिन इस बार जब मैं वर्ल्ड नंबर वन को जब मैंने बीट किया उसमें मैं अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। उस समय मुझे डोनेशन करने की ज़रूरत नहीं था। हमारे ये प्रेसिडेंट कराटे एसोसिएशन इंडिया के और अरुणाचल कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे आंसी लिकातरा जी, उसने हमें स्पॉन्सर किया कि तू बस, मुझे कहा कि तू बस ट्रेनिंग करना, सारा खर्चा वो उठाएगा। तब मुझे उसमें डोनेशन के लिए घूमना नहीं पड़ा। मैं दिन रात एक करके ट्रेनिंग किया, सुबह दिन शाम मिनिमम वो समय मैं 10 to 12 आवर किया करता था एक दिन में। उसके बाद मैंने जाके वर्ल्ड नंबर वन को बीट किया, तब जाके मुझे रेस्पेक्ट भी बहुत मिला। तो मैं तो आप उसके लिए दिन भर कितनी मेहनत करते हो, कितने घंटे सुबह शाम आप पसीना बहाते हो फिर यहाँ प्रैक्टिस में? अभी तो पहले 8 घंटा कुछ था, अभी तो बस ग्रेजुएशन हो गया तो अभी पढ़ाई का इतना चिंता नहीं आता। अभी 10-12 घंटा तो कम से कम दूंगा। माई गॉड, 10-12 घंटा, दैट्स ए ह्यूज टाइम। बहुत लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन बनना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये थे मेरे साथ राजा यंगफो और उनकी कुछ बातें आपके साथ शेयर की है। और द फन फैक्ट इज मैं इनके पीछे पड़ी थी पिछले एक साल से, मैंने इनसे डेट्स मांगा था बट ही हैव गॉट नो डेट्स फॉर मी। और सबसे पहला इंटरव्यू मैंने करने का इनका सोचा था बट इन्होंने वेरियस न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू दे दिया ऑलरेडी। इट्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई गेस, क्योंकि मैंने बहुत पहले से प्लानिंग की थी और मैंने इनको अप्रोच भी किया था और इन्होंने कहा था कि इनके पास अभी डेट्स नहीं है, तो जब फ्री होंगे तब मुझे कॉल करेंगे। बट मैंने बहुत से वेरियस चैनल्स पे इनके न्यूज़ देख लिया और आई वॉज लाइक, राजा भैया आप हमको टाइम नहीं दिया है। उस दिन मैंने उन्हें ऐसा बोला और ही वॉज लाइक आई एम सो सॉरी, मुझे आपको पहले देना था बट अचानक से ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं। मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। और देखिए, मैं इन्हें बहुत सालों से जानती हूँ पर ये कभी हंसते नहीं है। देखिए अभी भी कैसे बैठे, पूरा इंटरव्यू निकल गया बट ही वॉज नॉट इवन स्माइलिंग वंस। मैंने बस एक बार बीच में कहा था स्माइल करने को, तभी इन्होंने स्माइल किया था। अभी भी देखिए कंजूसी कर रहे हैं ये स्माइल करने के लिए। तो रजब भैया, क्या आप मेरे व्यूअर्स को मेरे बारे में कुछ बताना चाहेगा? जी आप सब देख सकते हैं हमारे साथ जो बेटा है लिली माइंग, ये एमए स्टूडेंट है ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के, जो डीएन कॉलेज से ग्रेजुएट होके ये आरजू में अब पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये भी हमारे फॉर्मर कराटे का है, कराटे प्लेयर, शायद 3-4 साल स्टेट लेवल ये भी खेला है, उसमें से 1 टाइम ये डिपेंड चैम्पियन भी रह चुके हैं, नेशनल में शायद 3-4 बार खेल चुके हैं मेरा हिसाब से। लेकिन अब ये पढ़ाई में घुस गया तो इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से यहाँ आके खेल सके। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि ये अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद वापस फिर अपने कराटे फैमिली को ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा मेरा ज्योति बहन लिली माइंग जी से। और देखिए अब मैं अपना कुछ अपने आप में कुछ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी मेरा जो मुझे हर चौथा चीज़ में मदद किया है, हेल्प किया मुझे, मैं उन सभी को धन्यवाद तहे दिल से कह रहा हूँ। मैं थैंक यू सो मच उन सभी को, आप सब ने मेरा यहाँ तक का बहुत अच्छा सफ़र तय किया, साथ दिया है। तो मैं दुआ करूँगा कि आगे भी आप देते रहिए। जिस दिन मैं अपना लक्ष्य पूरा कर लूँगा उसके बाद मैं आप सभी को हमेशा याद रखूँगा कि किस किस ने क्या क्या योगदान दिया है मेरी ज़िंदगी में ना। तो मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू ऑल। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेनरस लविंग एंड डेडिकेटेड गाय आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। इसीलिए ये हमारे एक इंस्पिरेशन है। मैं जब मैंने पहले ज्वाइन किया था तब मैं इन्हें देखती थी एक इंस्पिरेशन के तौर पे। तो और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम यहाँ आए हैं और इनके मतलब कुछ मूव्स ना देखे। इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ ईयर्स मैंने इन्हें लाइव फाइट करते हुए नहीं देखा, बट
फाइट करते हुए नहीं देखा तो क्या हुआ, हम अभी यहाँ इन्हें कुछ एक दो मूव्स करते हुए देख ही सकते हैं, और आई गेस मैं भी थोड़ा कर ही लूँ। कम ऑन कम ऑन, चलिए राजा भैया आप अपना थोड़ा सा एक दो मूव्स दिखा दीजिए। चलिए तो मतलब मैं राजा भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक दो मूव्स मतलब हमें दिखाए जो कॉमन लोग भी आराम से कर सके उनके डे टू डे लाइफ में, स्पेशली गर्ल्स, अगर उन्हें रात में कहीं चला जाए वो तो उन्हें रात में प्रोटेक्शन के लिए। कम ऑन कम ऑन, सामने अगर ऐसे मार देता है ये, अब पंच को अगर ताकत देना चाहता है तो सोल्जर से फेंकिए, सोल्जर जगह टारगेट रखिए। अगर आप लेडीज है तो अगर आप अपने आप को बचा रहे तो सामने वाला का ये जगह टारगेट रखिए गले में, और जस्ट सोल्जर का सपोर्ट से सोल्जर दीजिए, वो वहीं बैठ जाएगा, आप फिर वहाँ से निकल सकते हैं। यही फिर भी पंच के लिए एक अच्छा गोल है। कमर से दीजिए इसमें, कमर से देता है, और ये नीचे वाला लेग को भी घुमाना पड़ता है। ये कराटे का लेग अच्छा है, जो अगर स्पोर्ट कराटे के होगा या लड़ाई करने के लिए नीचे पाँव को भी घुमाइए और कमर को घुमाइए, तब स्पीड और पावर देता है सबका किक में। मुझे भी बहुत जोश चल रहा है, आई होप आई गेस आप लोग भी देखना चाहोगे मुझे करते हुए। मुझे बहुत साल हो गए, बट लास्ट ईयर मैंने यूनिवर्सिटी गेम खेला था। वो अलग बात है कि मैं हार गई, बट आफ्टर 3 rounds ओके, इतने आसानी से मैं नहीं हारी। आई होप दिखनी लग जाओ और मैंने भी इसे बहुत ज्यादा मिस किया, इस डोजो को, इस फीडबैक को, सब कुछ, आई मिस एवरीथिंग। मैं भी जिनीमैन का शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच कि आप आगे पूरा स्पोर्ट्समैन का बारे जाना है, तो अगर स्पोर्ट्स को क्या क्या तकलीफ होता है ना वो जानने के लिए कोशिश किया है, तो मैं इसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सब चीज़ को आप सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं, कि गवर्नमेंट को अपील एक तरह से अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोगों को तकलीफ होता है ना, तो आप ये सबको देख सकते हैं, और जो जो थोड़ा ट्रोलिंग वगैरह और जो फैमिली सपोर्ट नहीं करता है वो सब भी आप देख के आप कुछ समझ सकते हैं कि क्या होता है। आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट होने से अच्छा कि यार ये सब में जाके टाइम वेस्ट कीजिए, यहाँ से कुछ हो भी सकता है, या अगर वो आपका बच्चा खेलते खेलते डेडिकेशन हो गया तो यहाँ से निकल भी सकता है ना। आप अगर बाहर ही ऐसे सिर्फ पर आके इसे घुमाते रहने से भी नहीं होगा, क्योंकि कोई कोई बच्चा रूम में दरवाज़ा बंद करके बहुत लोग ड्रग्स भी ले देता है, तो वो सबसे ये दूर कर देगा आपको अगर आप अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो। और राजा भैया चलिए मेरे चैनल के लिए शाउट आउट प्लीज, मिस नो वन, बिग शाउट आउट टू नो वन, सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आगे जरूर करिएगा, आपको आगे भी बहुत अच्छा अच्छा चीज देखने मिलेगा इसमें। हाँ। तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मिस नो वन चैनल को, थैंक सो मच, और होपफुली मैं शायद और लाऊंगी ऐसे सीक्रेट सुपरस्टार्स, अभी तो पहले तो कंटिन्यू नहीं कर पाई बट अभी जरूर कंटिन्यू करूंगी, सो वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।